नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा आपके यूट्यूब चैनल शक्तिशाली किसान का स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं अमरोया, और अमरोया जो एजेंसी है फार्म ट्रैक्टर की एजेंसी है। और ये जो मैं ट्रैक्टर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो ट्रैक्टर है 4x4 ट्रैक्टर है। 4x4 ट्रैक्टर के क्या फायदे हैं वो किसान भाई आज आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो जो इस कंपनी के नमस्कार भाई, नमस्कार भाई जी, भाई ये आप 4x4 ट्रैक्टर लाए हैं, इसका क्या फायदा, 4x4 के थोड़े क्या फायदे ये आप बताएं, 4x4 क्या चीज? बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं अपने क्षेत्र में अभी क्या है, टेंच विधि की एक पड़ी है। उसमें क्या होता है ना, किसानों ने पहले लेबर काम करती थी, अभी यहाँ ट्रैक्टर यूज कर दिया है जिससे क्या जुताई में आसानी रहे। उसके लिए हम किसानों के लिए जो टेंच विधि की एक बोर है उनके लिए बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, उन्हीं के लिए हम ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं। खासतौर पर जैसे कि आप देख सकते हैं 4-व्हील ड्राइव में बच्चा ट्रैक्टर के नाम से ही जाना जाता है, एटम के नाम से ही अपना ट्रैक्टर, खुद अपना ब्रांड एटम के नाम से, जो फार्मेटेक में ही आपको ये मिलेगा। अच्छा, 4x4 जैसे ट्रैक्टर है जी जी, तो इसका जो डीजल का खर्चा है वो क्या है, क्योंकि डीजल काफी महंगा हो रहा है, किसान भाई ये सोचता कम से कम खर्चे वाला जी जो ट्रैक्टर है वो हमें मिलना चाहिए। और ट्रैक्टर से ही अपना जो ट्रैक्टर है 10% कम डीजल खाता है और काम अपना ज्यादा करता है। अच्छा, अपनी श्रेणी में जो है। अच्छा, ये जो है इसका 4x4 का सिस्टम, इसके खासियत बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, 4x4 में क्या है अपना ये ट्रैक्टर, अपना 4x4 है, आप देख सकते हैं ये 4x4 जो है अपना, लोग किसान जब अपना इस्तेमाल करते हैं खेती वगैरह में, स्लिप ना काटे उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। स्लिप नहीं काटने का तो तेल का खर्चा भी कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूरी तय करेगा, तेल ज्यादा खर्च होगा जी जी जी। अच्छा अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रेशर में जी भाई, ये ट्रैक्टर अपना पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, बैलेंसिंग रोड के साथ। अच्छा। अभी आपने ट्रैक्टर देखा होगा सिंगल सिलेंडर यानी कि सिंगल एक्टिंग के साथ पावर स्टीयरिंग देखेंगे, अभी ये डुअल एक्टिंग है। डुअल एक्टिंग के अपने ये फायदे रहते हैं कि इसमें जो टायर की घिसने की जो आपने देखा होगा घिसने की जो शिकायत रहती है वो सेम रहेगी। अच्छा। और ट्रैक्टरों में एक टायर ज्यादा खत्म जल्दी हो जाता है, एक कम रहता है तो ये ज्यादा शिकायत रहती है। इसके जो टायर घिसेंगे दोनों बराबर सेम रहेंगे। अच्छा, इसकी जो लाइट में देख लो बड़े भाई, बड़ी हैवी लाइट लग रही है जी, ऐसा जी लग रहा है जैसे कोहरे का मौसम चल रहा है जी जी, कोहरे को चीरने वाली लाइट है, ऐसी लाइट है जी? ये लाइट नहीं है, प्रोजेक्टर लैंप है, नॉर्मल लाइट है नहीं है। अच्छा अच्छा जी हाँ, आप प्रोजेक्टर लैंप जो आपको बड़ी गाड़ी वगैरह में मिलेंगे, फॉर्च्यूनर वगैरह में देखने के लिए। अच्छा, ये जो जाली लगा रखी है ये धूल के लिए काय के लिए? जी 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 जी, अभी क्या है ये जो जाली हमारे लगाने का जो मकसद रहा है वो ये रहा है कंपनी का कहीं ना कहीं, कि आप जब छोटे ट्रैक्टर खेती में चलते हैं तो साइडों से एक वगैरह रहती है, या बागवानी में चलते हैं पेड़ ऊंचे होते हैं, ट्रैक्टर नीचे दबके चलता है तो लंबे समय तक क्या होता है उसको हीट होने की इंजन की ज्यादा शिकायत रहती है, ये ताकि इंजन हीट ना रहे हवा के लिए कंपनी ने यहाँ जाली लगा रखी है। अच्छा, ये बोनेट कहाँ से खुलता है इसका जरा? बिल्कुल, बोनेट के लिए यहाँ दे रखा है बटन, आप देख सकते हैं इसको आप खींचोगे शॉप के लिए खुल जाएगा। अच्छा, ये जो इंजन है आपका क्या सिलेंडर में है ये लगभग? ये इंजन जो है 3 सिलेंडर में अपना इंजन आता है। अच्छा, 3 सिलेंडर में ये, इसका मुझे ऐसा लग रहा है एलकोल्ड बोलते हैं क्या ये कूलेंट के लिए रिकवरी वाटर लगाई गई है, कूलेंट के लिए जी हाँ, जिससे ठंडा चले, पानी की इसमें कोई जरूरत नहीं, पानी की देखने की जरूरत नहीं है। किसान को पहले क्या था ना, रेडिएटर खोल कर देखना पड़ता था, अब यहाँ रिकवरी वाटर में ही देख सकता है किसान। अच्छा, ये इधर इसका ये डिपर दिखे है जी हाँ, ये इंडिकेटर दे रखे है अपने। अच्छा, और इसमें ये क्या चीज दी है, केयर है ये बटन सही है लगभग? बिल्कुल बिल्कुल, चीज है केयर, जैसे कि ये हमारा केयर डिवाइस है एक तरीके से, आपने देखा होगा डिवाइसों का नाम से आप सुन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में आता है अपना जी, ये केयर डिवाइस जो है अपनी, ये मैं बता देता हूँ क्या क्या काम करती है, किस तरीके से वर्क करेगी। ये जो केयर डिवाइस है ये अपने आपका ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर बंद हो जाता है किसान के पास, हर किसान के पास आपको फोन नहीं मिलेगा जी। अभी क्या, जब फोन नहीं मिलेगा तो किसान को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जी, अपने मैकेनिक से बात करने के लिए तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता जी, कहीं ना कहीं ये कंपनियों की शिकायतें रही है बहुत जी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कंपनी ने यहाँ एक केयर डिवाइस लगाई, इसका ये वर्क रहता है, इसमें एक बटन दे रखा जी, आप उस बटन को दबाओगे जी तो सीधी आपकी कॉल जो है कंपनी में कनेक्ट हो जाएगी जी, जो हमारे सर्विस इंजीनियर रहेंगे वो आपको सर्विस देंगे जी, प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप आज आपकी सर्विस वहाँ नहीं मिलती है तो मैकेनिक आपको डायरेक्ट कॉल करेगा जी, हमारे जो डीलरशिप का पास का मैकेनिक रहेगा वो आपको कॉल करेगा और आपके जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व कर करके देगा। और इसमें एक वर्क और गए, जैसे कि आपने शिकायत सुनी होगी कि हमारा ट्रैक्टर अभी कोई ले गया मांग करके
बता करके गया कहीं और ले गया कहीं, तो उसके लिए भी आपके मोबाइल पे कनेक्ट हो जाती है, आप जीपीएस के थ्रू इसको ट्रैक कर सकते हैं, पता लग सकता है हमारा ट्रैक्टर कहाँ पे चल रहा है, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप, झूठ बोल के जो भी ले जा रहा है पर हमें जानकारी देगी कि हमारा ट्रैक्टर वहाँ पे है इस समय। जी हाँ, अच्छा इसे नीचे करना जरा बोनेट को। अच्छा इसका जो डीजल का टैंक है वो कितने लीटर का है? इसके डीजल की जो टैंक की कैपेसिटी है वो 24 लीटर की है। अच्छा 24 लीटर की है। जी हाँ। अच्छा हाँ, इसके बाद पीछे लगभग मैं देख रहा हूँ क्योंकि पहले जो ट्रैक्टर में गियर आती थी वो बीच में आते थे। जी जी। तो इसके साइड से गियर क्यों है? बिल्कुल, अभी क्या था ना, पहले किसान चढ़ने उतरने में ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, कहीं ना कहीं किसान उतर नहीं पाता था, कहीं ना कहीं चढ़ नहीं पाता था जी, उसमें कम्फर्टेबलता नहीं थी। अभी क्या है, साइड में लगा के किसान को कम्फर्टेबल बैठने के लिए, ताकि ज्यादा लंबे समय तक वो कार्य कर सके, उसके लिए साइड में गियर कर दिए गए हैं। ये इसके ब्रेक कायम है, आयल में कायम है? जी हाँ, जो ब्रेक है ओल्ड एज ब्रेक के साथ आता है अपना ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये जो गियर है इसके ट्रैक्टर के, ये क्या क्या काम करते हैं ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जो गियर है इसका 9+3 का, इसमें अंदर गियर बॉक्स है जी। अभी क्या है ना, इसके अंदर जो है हाई लो मीडियम का गियर बॉक्स मिल जाएगा आपको जी। 3 चालें मिलती है आपको ट्रैक्टर में, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, हाई लो मीडियम, जो कहीं ना कहीं किसान को हरेक इम्प्लीमेंट चलाने में सक्षम बनाती है। उसके बाद ये जो पिछला ट्रैक्टर के जो टायर है जी जी, ये क्या साइज के टायर है? ये जो अपने टायर है 8-3-20 के गियर में मिल जाएंगे। अच्छा जी हाँ, और इसकी जो हाइड्रोलिक है इसकी कैपेसिटी, इसके वजन की कितनी है? इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी की बात करें तो 750 केजी की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी देती है कंपनी। अच्छा, और ट्रैक्टर की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है? वो लेंथ की बात करें 2730 mm की इसकी लंबाई है। अच्छा, ये क्या चीज है ये बड़े भाई ये? जी अभी क्या है, हर एक इम्प्लीमेंट प्रेशर का होता जा रहा है। जी जी जी, ठीक है ना, तो यहाँ कंपनी ऑलरेडी कंपनी फिटेड है, एक डीसी वॉल्व देती है जो कंप्रेसर से चलने वाले जितने प्रेशर चलने वाले इम्प्लीमेंट है वो आसानी से जोड़ सके। अच्छा, जो प्रेशर वाले हैं इसमें जोड़ के हम चला सकते। जी जी जी। अच्छा, इसकी पीटी है कितने कितने की है पीटी? ये पीटी जो है अपने एचपी की मैं बात करूँ तो 21 HP की इसके अंदर आपको पीटी मिल जाएगी, 21 HP की। अच्छा, उसके बाद ये क्लिच डबल में सिंगल में? ये कहीं ना कहीं देखो आपने डुअल क्लच लेती है और कंपनी जो है पैसा ले लेती है उसका एक्स्ट्रा, जबकि छोटे ट्रैक्टर में डुअल क्लच का कोई वर्क नहीं होता है। अच्छा। अभी क्या है, छोटे ट्रैक्टरों में हमें सिंगल ही क्लच इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सिंगल ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, उसके बाद में मैं देख रहा हूँ ये पाइप प्रेशर का है, काय का है बड़े भाई? ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये अपना हाइड्रोलिक पाइप है, इसमें क्या है कंपनी आगे जो पंप होता है, कहीं ना आप शिकायतें मिली होंगी कि पंप बहुत जल्दी कट जाते हैं, जिन कंपनी में जो अपना ये स्टैनर लगाया गया एक फिल्टर टाइप में जी, जो भी अपना इधर से तेल जाएगा वो छन करके बढ़िया होकर जाएगा फ्रेश ऑयल, जिससे अपने जो पंप की है वो जो है लाइफ ज्यादा रहेगी। इसकी जो सीट की कैपेसिटी है वो कितनी है? सीट की कैपेसिटी, सीट की कैपेसिटी की बात करें तो आप 50 से लेकर के 120 kg तक का बंदा इस पर बैठ सकता है, एडजस्टेबल में है ये। अच्छा, आगे पीछे हो सकती है? आगे जी हाँ, आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, उसके बाद सर मैं जानकारी लेना चाहूंगा इसकी जो कीमत है वो क्या है ट्रैक्टर की? कीमत अपना आपने शोरूम का पता है ही अमरोहा, आप आकर के जो भी होगा आप आ सकते हैं, शोरूम पर बता देते हैं हम लोग कीमत। अच्छा, और कोई जानकारी रह रही हो तो सर आप बताएं कुछ। बिल्कुल, उससे अलग कोई नई जानकारी हो तो चाहिए। अपने ट्रैक्टर के अंदर खूबी है जो अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा खूबी है, तो सभी किसान भाइयों ने ये फार्म ट्रक का 4x4 ट्रैक्टर वीडियो के अंदर देखा और क्या क्या फायदे हैं वो सब वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो वीडियो मैं आज की वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।